और छत्तीसगढ़ की सियासत में इन दिनों खूब शब्दबाण चलाए जा रहे हैं। नेताओं के बयानों पर खूब आरोप प्रत्यारोप भी लगाए जा रहे हैं। खुद को बड़ा बताने की कोशिश में नेता और पार्टी दोनों लगे हुए हैं। बीते दिनों बीजेपी में प्रत्याशी चयन को लेकर की जा रही प्रक्रिया पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने संकल्प शिविर के दौरान बीजेपी पर निशाना साधा था। उसी के जवाब में राज्यसभा सांसद सरोज पांडे ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि दीपक तो अभी बच्चा है और कुछ बहुत कुछ सीखना बाकी है। अरे माथा बच्ची को दीपक बैस क्या देखते हैं? शैलजा जी के सामने जो जूतम पैजार हुआ, एक दूसरे को कूटे पीटे, उसका दीपक जी क्या कहेंगे? उनको दीपक जी को उसका जवाब देना चाहिए। अरे हमारी बात अभी छोड़े, पहले अपने ही ठीक कर लें। मोहन मरकाम को बाहर करके खुद बैठे हैं, वो अपने यहाँ पर जो बात कहते हैं, दीपक जी को बोलने का भी आधार नहीं है। दीपक जी को बोलने के पहले बहुत कुछ सोचना चाहिए। अभी बच्चे हैं, अभी सीखें।